हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ फॉल्स लैशेस बहुत इजी वे में, पूरा डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगी। और ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि फेक लैशेस लगाना बता दो, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे सोफिया एशले की आई लैश ग्लू से, जो कि बहुत ही बकवास ग्लू है गाइस, बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। ये कुछ ब्लैक कलर की होती है और बहुत ही बेकार ग्लू है ये, बिल्कुल भी स्टिक नहीं करती लैशेस को और इतना गंद मचा देती है कि आपकी जो लैशेस हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इवन जो आपकी ओरिजिनल लैशेस हैं वो भी गंदी हो जाती हैं पूरी। तो प्लीज़ ये बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इसमें पैसे वेस्ट ना करिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आपको एक बेहतरीन आई लैश ग्लू बताने वाली हूँ, जो कि स्वीट टच लंदन की। गाइस ये बेस्ट 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 ग्लू है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मगर ये बेहतरीन ग्लू है। आप एक बार ये ले लो, आपकी फेक लैशेस कहीं भी नहीं जाएंगी। ये बहुत अच्छे से उनको स्टिक करती है। और आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये होती है सफ़ेद कलर की। इसकी एप्लीकेशन पे ये वाइट होती है, मगर जब ये ड्राई हो जाएगी तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कि आपने आई लैश ग्लू लगाई भी है कि नहीं। ये बहुत अच्छी ग्लू है, आप प्लीज़ इसको इन्वेस्ट करो। ये अराउंड 450-500 रुपए की आपको कहीं से भी मिल जाएगी, मगर ये बहुत अच्छी ग्लू है। अच्छा जी, तो अब मैं दिखा रही हूँ फेक लैशेस। ये है ब्यूटीफाई बाय आमना की इंस्टाइल हबीबी नंबर 5। ये बहुत अच्छी लैशेज़ हैं, मगर थोड़ी सी भारी लैशेज़ हैं, हैवी लुक्स के लिए बहुत अच्छी लगेंगी ये। अब जो मैं लैशेस आपको दिखा रही हूँ वो मैंने एक लोकल मार्केट से ली थी, अराउंड 300-400 रुपए की आई गेस। और ये बहुत ही अच्छी लैशेस हैं, बहुत गुड क्वालिटी की हैं। मैं आपको उनको बाहर निकाल के भी दिखा रही हूँ। अच्छा, जब भी आप लोग आई लैशेस लें, एक चीज़ का ख्याल रखें कि उसका लैश बैंड पतला होना चाहिए, ताकि जब आप उसको अप्लाई करें तो वो नज़र भी ना आए। और ये वाली लैशेस ऑल दो बहुत सस्ती हैं, मगर इनका जो लैश बैंड है वो इंतहाई बारीक है, इंतहाई पतला है कि अपॉन एप्लीकेशन वो नज़र भी नहीं आएगा। मैं आपको इसका लैश बैंड दिखा देती हूँ, ये देखें कितना पतला है, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। एक बार एप्लीकेशन हो गई तो ये दिखेगा भी नहीं। अब मैं आपको अपनी फेवरेट आई लैशेस दिखा रही हूँ, जो कि स्वीट टच लंदन की ही हैं, इन द स्टाइल जिजेल नंबर 5। ये बेहतरीन लैशेस हैं, बेहतरीन। इनका बैंड बहुत ही पतला है, मेरी फेवरेट लैशेस हैं ये। बहुत ही गुड क्वालिटी की आई लैशेस हैं, आप लोग चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन लैशेस हैं। ओके, सुनाओ मैं आप लोगों को आई लैशेस पे ग्लू लगाना बता दूं कि आपने आई लैशेस निकालनी है और आपने ग्लू जो है वो उसके बैंड पे लगानी है। सिर्फ बैंड पे लगाइएगा, एक पतली सी लेयर करके, और कोशिश करिएगा कि आउटर कॉर्नर्स और इनर कॉर्नर्स में थोड़ी ज़्यादा ग्लू लगे, क्योंकि अमूमन वहाँ से जो है हमारी आई लैशेस निकल रही होती हैं और बहुत अजीब सा लगता है। तो कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा ग्लू लगाएं, और आपको ग्लू लगा के इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं है कि ग्लू लगाई और फ़ौरन एप्लीकेशन कर दी, मेस्टअप हो जाएगा। आपने इसको सूखने देना है थोड़ी देर, और फिर आपने इसको अप्लाई करना है ताकि आई लैशेस थोड़ी सी स्टिकी हो जाएँ। तो यहाँ पे जो है आई लैशेस को ग्लू लगाए हुए टाइम हो चुका है। आपने ऐसा कोई भी ट्वीज़र लेना है, ये कहीं से भी मिल जाएगा आपको। आपने अपनी आई लैशेस को बीच से होल्ड करना है, बिल्कुल बीच से। जी हाँ, बिल्कुल बीच से होल्ड करेंगे, और आपने सबसे पहले उसको उसका मिड पार्ट जो है वो अटैच करना है अपनी आई लैशेस पे। मैं आपको हाथ पे डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने मिड पार्ट लगाना है, उसके बाद फिर साइड से इसको प्रेस कर देना है। मिड से लगा लेंगे तो आप इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा प्रेस करेंगे, आपकी आई लैशेज़ बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी और वो कहीं भी नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे आई लुक आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा, मैं इसी वीडियो पे आपको एप्लीकेशंस करके दिखा रही हूँ आई लैश की। आपने लैशेस को बीच से होल्ड करना है और मिड पार्ट से अटैच करूँगी मैं, बहुत आराम से एक मिरर में देखते हुए। ये देखें, मैंने मिड से अटैच कर दिया है और प्रेस कर दिया है। अब मैं इसके कॉर्नर से इसको स्टिक करूँगी। आराम से आपने अपना टाइम लेना है, और कॉर्नर से आपने आँख खोल के उसको अपनी आई लैश के साथ बिल्कुल साथ ही अटैच करना है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल आई लैश के साथ अटैच करना है, इस तरह कुछ जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और फिर आपने आउटर कॉर्नर से भी इसी तरह अटैच करना है इसको।
आप देख सकते हैं यहाँ पे आईलैश काफ़ी हद तक फिक्स हो चुकी है। अब क्या करूँगी मैं, जो आईलैश बैंड दिख रहा है थोड़ा सा, उसको मैं अपने आईलाइनर से फिल कर दूँगी ताकि मेरे आईलैश का बैंड भी ना दिखे। आपने जो है वो एक जिस तरह हम लोग नॉर्मली आईलाइनर लगाते हैं उस तरह आपने आईलाइनर लगा लेना है ताकि आपका जो बैंड है वो छुप जाए। यहाँ पे देखें कम्प्लीटली बैंड छुप चुका है। मैं आपको आईलैशेस दिखा रही हूँ ऊपर से भी और नीचे से भी, प्रॉपर फिक्स हो चुकी है। ये कहीं भी नहीं जाएंगी अगर आप इस तरह अप्लाई करेंगे इसको। बहुत आसान वे है ये, और आप इसको अच्छे से प्रेस कर लें अंदर से बाहर से ताकि जो है वो लैशेस प्रॉपर फिक्स हो जाएं, और ये आपकी असली लैशेस के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो गई है, पता भी नहीं चल रहा कि फेक लैशेस लगी हुई हैं, और इस तरह बहुत बेहतरीन लुक आता है जी। तो यहाँ पे हुआ ये लुक कंप्लीट। आप देख सकते हैं फेक लैशेस कितनी अच्छी लग रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।